Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. You know, I'm looking like myself. I'm not looking like somebody who's just had a baby. I absolutely love Tanuja ji. Unki jo mummy hai, unke liye mujhe itna zyada respect hai. Kyunki jo bhi hamara us waqt, of course, hamare thode कलेश हो रहे थे शो में, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कभी भी वो नहीं दिखाया कि ओ यू आर माय डॉटर्स कंपटीशन या ऐसे कुछ. वो जब भी मुझसे मिली हैं इतने प्यार से मिली हैं. हाय, आई एम गौहर खान और ये दिवाली होने वाली है झलक वाली. तो झलक दिखला जा जरूर देखिएगा सोनी पर. आप मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम्स पर. लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. The queen of reality show is all set to slay hosting now. Welcoming Gohar Khan in conversation with me on India Forums. Hello Gohar. Welcome. Thanks for introducing me like this. Gohar, हम सब जानते हैं postpartum के बाद full fledged हम आपको हमारे television screens पे काफी समय बाद देखने वाले हैं. Yeah. What made you decide to do झलक? I didn't have to decide to do झलक. I was waiting for them to like contact me for years. नहीं, क्योंकि झलक मेरे लिए इतना ज्यादा स्पेशल है. मैंने सीजन 3 किया था, टॉप 2 में आई थी. तो इनफैक्ट लास्ट ईयर जैद ने कहीं ऐसे ही कॉन्वर्सेशन में मेंशन किया था, यू नो व्हाट जानू, यू शुड होस्ट झलक, यू विल बी द बेस्ट फॉर इट. ऐसे ही बोला था रैंडमली. एंड आई वाज लाइक, हां ऑफ कोर्स आई कैन होस्ट झलक. एंड व्हेन दैट ऑफर केम एंड देन यू नो दे लाइक हैड अ बिकॉज़ दे वांटेड टू सी केमिस्ट्री, बिकॉज़ इतने सालों बाद उन लोगों, आई मीन झलक एज अ सीजन दो होस्ट आ रहे हैं, इतने सीजन से एक ही होस्ट थे. तो एंड ओरिजिनल फॉर्मेट डांसिंग विद द स्टार्स का दो, हमेशा दो होस्ट होते हैं इंटरनेशनल. तो जब ये ट्राई करे थे तो ऑफ कोर्स दे वांटेड टू लाइक टेस्ट अस ऑन स्क्रीन एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई वाज लाइक, या ऑफ कोर्स, मतलब मैं ऑडिशन भी करूंगी, मैं टेस्ट भी करूंगी, मुझे कैमरे पे भी देख लो, किसके साथ देखना है वो भी देख लो, बट आई वांट टू डू झलक. एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट थ्रू. एंड ऑफ कोर्स यू नो, बच्चा होने के बाद ये एक वो हो जाता है कि यू नो वेयर पीपल विल दे बी ओपन टू टेकिंग यू इन अ ग्लैमरस अवतार एंड ऑल ऑफ दैट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर मी, आई वर्क्ड सो हार्ड टू लाइक कम बैक इनटू शेप सून एंड यू नो वर्क ऑन माय अपीयरेंस, माय पर्सनालिटी, माय स्ट्रेंथ, माय एनर्जी, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट यू नो, बट व्हेन यू हैड अ बेबी. बट अल्हम्दुलिल्लाह सोनी एज अ चैनल एंड बीबीसी as a production house have been so open and welcoming, and they saw that okay, you know, I'm looking like myself, I'm not looking like somebody who's just had a baby. So yeah, alhamdulillah that's worked out so beautifully, and I'm so excited because ye Diwali jhalak wali hone wali hai. So 11 November ko hamara show aa raha hai, and we're also excited because pehla episode jaise shoot hua hai, I must tell you that this show has some great contestants and amazing performances, and सबको झलक बहुत पसंद आने वाला है ये सीरीज. You have just piqued our excitement, sir. Yeah. गौहर, मैं आपसे जानना चाहूंगी गौहर की इक्वेशन डांस के साथ कैसी है, और कोई चाइल्डहुड डांस मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहोगे. मेरी इक्वेशन डांस के साथ, जी मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ, आई थिंक बचपन से, आई थिंक अराउंड मैं जब 2 या 3 साल की थी, माई फैमिली टेल्स मी दैट जैसे ही म्यूजिक ऑन होता था मैं नाचना शुरू कर देती थी. एंड मैं माधुरी जी और श्रीदेवी जी और रेखा जी के डांस, मैं ही नहीं, मेरी बहनें भी, हम सब मिलके, बिकॉज आई थिंक माई सिस्टर्स वर सच गुड डांसर्स, उनको देख देख के मैं भी नाचती थी. वो गाना है ना, तू मुझे कबूल तुम, मेरी बहन, सबसे बड़ी बहन कौसर, वो हमें कोरियोग्राफ करती थी एंड हम सब नाचते थे. सो टैलेंट आई थिंक रन्स इन माई फैमिली. एंड माशाल्लाह माशाल्लाह डांस के साथ तो ऐसा है कि बस इट्स इन मी. आई लव टू ग्रूव, आई लव टू डांस, आई लव टू मूव. इट्स वन ऑफ माई बिगेस्ट पैशंस. ऑल्सो आई थिंक इट्स वन ऑफ माई बिगेस्ट आइडेंटिटीज, बिकॉज लोग मुझे जानते हैं एज अ ग्रेट डांसर एंड समबडी हु हैज हैड रियली गुड नंबर्स माशाल्लाह टू हर क्रेडिट. सो बहुत मजा आता है मुझे डांस करके. वेल, जैसे प्रोमोज आए, एक और इंटरेस्टिंग चीज ने हमारे फैंस का अटेंशन कैच किया है, जो है तनीषा और आप जो पहले रियलिटी शो में साथ में थे, यू वर नॉट ऑन गुड टर्म्स. आई आस्क्ड सेम टू तनीषा मैम, का ये कहना था कि यू नो वहाँ अलग चीजें होती थी बिकॉज वहाँ क्रिएट करवा दी जाती थी, सर्कमस्टेंसेस वैसे होते थे. हाउ इज योर इक्वेशन नाउ? सी ऑनेस्टली, वी वर इन अ कंपटीशन देन,
उस वक्त जब आप एक कॉम्पिटिशन में होते हो वो शो का फॉर्मेट अलग है, ये शो का फॉर्मेट अलग है जी, वहां पर आपकी पर्सनालिटीज के बारे में होता है, यहाँ पर डांस पे फोकस है जी। तो ऑब्वियसली और ऑफ कोर्स बहुत साल गुजर गए हैं उस शो को 2013 में और 2023 में 10 साल का फर्क है, इट्स अ डेकेड। एंड अगर कोई भी बहुत ही बेवकूफ होगा अगर उस फेज से आप ग्रो ना करें एंड आप यू नो यू डोंट लुक पास्ट ऑल ऑफ दैट, जहां पर आप एक कंपटीशन में थे, आई थिंक बहुत साल हो चुके हैं, मैंने और तनीषा ने बहुत बार इंटरेक्ट किया है शो के बाद, ना कि सिर्फ झलक पे, तो हमारा इक्वेशन काफी अच्छा है। एंड आई हैव ऑलवेज सेड दैट तनीषा इज अ ग्रेट गर्ल, मैंने शो पर भी यही बोला है, वहां पर टास्क में और ओपिनियन के डिफरेंसेस में हमारे क्लैशेस होते थे जी, एंड आई हैव नेवर हैड एन इशू विद हर इवन ऑन द शो। एंड नाउ ऑफ कोर्स बहुत साल गुजर गए, हमने बातें की है, हमने सोशल मीडिया पे काफी इंटरेक्ट किया है, आई एब्सोल्युटली लव तनुजा जी, उनकी जो मम्मी है उनके लिए मुझे इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो भी हमारा उस वक्त ऑफकोर्स हमारे थोड़े कलेश हो रहे थे शो में, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कभी भी वो नहीं दिखाया कि ओ यू आर माय डॉटर्स कंपटीशन या ऐसे कुछ, वो जब भी मुझसे मिली हैं इतने प्यार से मिली हैं, इतने आदर से मिली हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल में उनके लिए इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है कि आई यू नो शी इज जस्ट अ ब्रिलियंट वुमन, आई लव हर। एंड ऑफकोर्स झलक पे तनीषा कंपटीशन में है और मैं होस्ट कर रही हूँ, तो हमारा इक्वेशन ऑलरेडी बहुत सालों से चेंज हो चुका है और अब तो बहुत ही अलग। मदर्स यू नो आर बिल्ड डिफरेंटली, कंप्लीटली, शी इज जस्ट सच अ लेजेंड, आई लव हर, यू आर अ मदर गौहर। हमारे सोसाइटी में ना एक ऐसा स्टीरियोटाइप है कि अगर आप एक नई मॉम हो तो यू कैन नॉट रिज्यूम योर वर्क सून, और यू नो आपको बच्चों को टाइम देना चाहिए, हाउ आर यू बैलेंसिंग दैट एंड यू नो? नहीं, मैं अपने बच्चे को माशाल्लाह बहुत टाइम दे रही हूँ, and in fact because I'm hosting and I'm not in competition, mujhe utne rehearsals nahi karne pad rahe, I shoot once a week and that's great because you know agar 12 ghante ya uske shoot hote hai to Zihan comes along with me sometimes, he's in the van relaxing, you know, enjoying with me, usually main koshish karti hu ki usko zyada stress na do, lekin we worked it out just brilliantly and mashallah he's an easy baby so I don't have to get troubled. Perfect. Lastly, Gohar, hosting करते वक्त कभी ऐसा ऐसा मन किया है कि hosting कर लूँगी मैं एक dance performance करके आ जाऊँ? वो तो हर performance में ऐसा लगता है, I'm watching them perform, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनके साथ मैं नाच रही हूँ and मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके steps imitate कर रही हूँ and उनके लिए मैं इतना ज़्यादा excitement feel करती हूँ as a host, लेकिन I hope के Sony और BBC हमें भी opportunity दे नाचने का क्योंकि Rithvik और मैं दोनों ही अच्छे dancers हैं और हमने पहले भी डांस किया है, अगेन इन अ कंपटीशन जोन, लेकिन इस बार एज होस्ट हम नाचेंगे भी, हम गाएंगे भी, और ऑफ कोर्स दिवाली पर झलक आ रहा है तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट है, और भी ज्यादा फेस्टिविटीज हैं, तो थिरकते तो मैं रहती हूँ सारा टाइम, आई एम श्योर दैट आई विल डांस ऑन झलक। गौहर, झलक के बाद कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? हाँ, मेरा एक मेरी दो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, एक फिल्म है ओटीटी पे जो आने वाली है, एक वेब सीरीज है जो आने वाला है, मैं अभी और एक वेब सीरीज शूट शुरू करने वाली हूँ नवंबर या नवंबर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक ऑन ट्रैक एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर सच वंडरफुल पीपल दैट आई मीट इन द इंडस्ट्री जो अभी डॉम्स को तोड़ते हुए ना कि सिर्फ शादीशुदा बट ऑल्सो न्यू मॉम्स को भी उतना ही काम दे रहे हैं एंड आई मस्ट से दैट यू कांट टेक योर वर्क फॉर ग्रांटेड। मैंने इमीडिएटली अपने आप पर काम शुरू किया था, वर्क शुरू किया था, सो अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज नाउ आई एम बैक इन माई एनर्जी एंड बैक इन माई यू नो कॉन्फिडेंस दैट आई कैन आई अपियर द सेम एज बिफोर, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट वर्क। Well, that is all that I have in store for you, Gohar. Thank you so much and all the best. Thank you for a great interview.